राउत जी हैं, जिनके घर के सामने एक एमसीडी का पार्क है और उस पार्क की अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पार्क के 4 साइड ओपन है, जिसके 3 गेट थे, सारे गेट बंद करके अपने घर के सामने उसने एक मेन गेट खोल लिया और मेन गेट खोल के उसका ताला लगा दिया गया। बच्चे यहाँ वॉलीबॉल खेलते थे, महिलाएं घूमती थी, अपने बैठती थी, एक्सरसाइज वगैरह करती थी। उसने उस गेट को सबको बंद करके महिला को मना कर दिया कि आप यहाँ नहीं घूम सकते। पार्क में मिट्टी डलवा दी, मिट्टी के अंदर शीशे डलवा दिए गए। पार्क की दीवार 2.5 फुट से लगा के 6 फुट तक की ऊंची करवा दी गई। सारा गांव इकट्ठा किया, उसने बोला मैं 6 बजे सब वहाँ पे आ जाऊँगा, सब गांव में इकट्ठे हो लिए। तब उसने नहीं आना जरूरी समझा और गांव वाले से बोला कि मैं नहीं आ रहा। अरे ये बाथरूम सरकारी वहाँ बन गया था, सरकारी बाथरूम हमारे घर के सामने, यहाँ नीम भी खुदवा दी थी, बुला के पार्क बना रहा था बाथरूम, अपनी मर्जी से सारे काम कर रहा है, किसी की सुनाई नहीं कर रहा। लगाई जाए ये गली भी रोक दी, ये गली भी रोक दी थी, ये भी खुलवाई थी पार्क के साथ वाली, और पार्क की दीवार 5 फुट कर रखी है, ये 2.5 फुट होनी चाहिए थी। ये कह रहा है महिलाओं के लिए हो रहा, महिला तो पहले भी कर रही थी, अब जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। कानून से किस तरह की सहायता मांगते हो आप? हम सहायता मांग रहे हैं, कोई हमारे सुन रहे हैं, ऐसे जो भी इनसे मिला हुआ है और सारे जहाँ भी जा रहे हैं ऐसे करे तुम्हारे करे एप्लीकेशन है बंद करा देंगे, मैं गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक मतलब है, इसके घर के सामने ये पार्क है, उसके घर के सामने सफाई होनी चाहिए और सारे गांव में गंद फैल। उसने कोई मतलब सफाई का हो रही है? हाँ कहीं नहीं हो रही, बस उसके घर के सामने बने पाचे कोई भी काम नहीं रहा है, नहीं तो पानी आया है, नहीं कुछ काम हुआ है, इस पे इसका एक्शन लिया जाए। आती थे ना 25 साल से और यहाँ आने के वजह अपने गांव वालों की अपनी सहायता तो करेंगे, जुड़े हुए मदद के साथ हम आए थे थोड़े, उसमें हमने गांव वालों हमारा गांव है तो आएंगे ना, तो हमारी बदली पता नहीं कहाँ करी, हमारे प्रेशर पड़ा गया है जो कि तम बच्चों के साथ हम महिलाएं बच्चों के साथ जुड़ी है और ये भी जुड़ी थी, इन पर ये प्रेशर पड़ा है। अब तुम वहाँ पे पार्क में क्यों गई?